फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं चिल्ली चिकन। मैंने 250 ग्राम बोनलेस चिकन लिया। चिकन को ऐसे पीसेस करके मैंने काट लिया। अब इसमें एक अंडा, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून सोया सॉस और 2 टीस्पून मैदा और 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर डाल के मिक्स करके आधा घंटा हम इसे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। कढ़ाई में मैंने ज़्यादा करके तेल डाला क्योंकि इसे चिकन को हमें डीप फ्राई करना है। तेल गर्म हो गया, अब हम मैरिनेटेड चिकन को फ्राई करेंगे। एक साथ ज़्यादा करके नहीं डालेंगे क्योंकि जितना चिकन है इसे हमें दो बैच में फ्राई करके लेना है, तो हम आधा अभी फ्राई करेंगे और इसे पलट पलट के ब्राउन होने तक इसे हमें फ्राई कर लेंगे। देखिए फ्राई हो गया, इसे हमें निकल लेना है और सेकेंड बैच भी हम इसी तरह फ्राई करके लेंगे। सेकेंड बैच भी फ्राई हो गया, हम गैस ऑफ करके इसे निकाल लेगा। तेल ऑलरेडी गर्म है, मैंने हाफ टी स्पून अदरक और हाफ लहसुन मैंने देंगे और 3 हरी मिर्ची, इसे हम ब्राउन होने तक थोड़ा फ्राई करेंगे। देखिए हल्का ब्राउन हो गया। अब हम शिमला मिर्ची, प्याज डाल देते हैं। आप डाल देंगे हाफ टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर। इसमें कलर भी बहुत अच्छा है और गैस को इस टाइम पे हम स्लो करके रखेंगे। और 1/4 टी स्पून अजवाइन मोटो, ठीक है। और डालेंगे 1 टेबल स्पून रेड चिली सॉस, 1 टेबल स्पून टोमेटो सॉस, 1 टेबलस्पून हमने डालेंगे सोया सॉस। डाल दिया, अब इसे हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। और आप डाल देते हैं जो फ्राई किया हुआ चिकन और इसे मिक्स कर लेते हैं। इसमें 2 कप पानी डालेंगे, 2 कप मतलब 400 ml पानी डालेंगे इसमें। पानी डाल के इसे हम बॉईल होने देंगे थोड़ा। देखिए इसे मिक्स करके इसे हम उबाल आने देते हैं। चिकन में उबाल आ गया, अब हम 1/2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर पानी में घोल के इसमें डाल देंगे और कंटिन्यू कड़छी चलाते रहेंगे, नहीं तो लम्स बन जाएगा। ये कॉर्नफ्लावर डालने के साथ साथ ही ये गाढ़ा हो जाता है, इसलिए हमें इसे कंटिन्यू चलाते जाना है। अब इसे हमें 2 मिनट कुक करेंगे। 2 मिनट हो गया, देखिए ग्रेवी बन गया और गाढ़ा हो गया। आप डालेंगे इसमें 1 टीस्पून हनी। हनी डालने से ये चिली चिकन ही बहुत ही टेस्टी बनता है। और हनी डाल के इसे भी थोड़ा हम अच्छे से मिला लेंगे ताकि चिकन के साथ ये मिक्स हो जाए। हनी डाल के 1 मिनट कुक करेंगे। देखिए ये कितना लच्छेदार बन गया। और अब हम गैस ऑफ कर देते हैं और रेडी हो गया हमारे चिली चिकन। ये रेसिपी अच्छा लगे तो मेरे चैनल को
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह वैरायटी रेसिपी डालते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन।